करेंगे फिलर गेज के बारे में। फिलर गेज क्या होती है और ये किस काम आती है? फिलर गेज के नेम से ही क्लियर है, इसके अंदर आता है फील। फील मतलब कुछ चीज को महसूस करना, तो इसलिए इसे नाम दिया गया है फिलर गेज की, महसूस करने वाली गेज। जो फिलर गेज होती है वो हमारी क्लियरेंस मापने के काम आती है, या दो सरफेसेस के बीच का गैप मापने के काम आती है फिलर गेज। फिलर गेज हमारी किस तरह की होती है? इस तरह की होती है, उसके अंदर होती है बॉडी, ये है फिलर गेज की बॉडी, या फिर आप इसको ब्लॉक भी बोल सकते हैं। और होती हैं इसके अंदर ये ब्लेड्स, ये गेजेस आप इनको बोल सकते हैं, या फिलर गेज के ब्लेड बोल सकते हैं। तो हर एक जो ब्लेड है उसकी अलग थिकनेस होती है। जैसे कि ये जो फिलर गेज है इसके अंदर 0.03 से लेके 1 mm तक अलग अलग थिकनेस के ब्लेड्स हैं। तो अगर हमें क्या करना है, किसी दो सरफेसेस के बीच का गैप को पता लगाना है कि वो कितना है, तो हम इनमें से कोई एक ब्लेड चूज कर लेते हैं। मान लीजिए हमें लगता है कि इन दोनों सरफेसेस के बीच का जो गैप है 0.03 mm है, तो हम लगभग इसको चूज करेंगे। अगर हमें लगता है कि वो 1 mm के करीब है, तो हम इसको चूज करेंगे। और कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, एक या दो का ब्लेड का यूज़ या तीन ब्लेड का यूज़ भी हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। जैसे दो सरफेसेस के बीच की दूरी अगर हम मापना चाहते हैं, तो पहले मान लीजिए हमने 0.03 mm वाला ब्लेड डाला, उसके बाद भी उसके बीच में गैप बच गया, तो हमने 0.04 वाला डाला, तो गैप फिल हो गया, तो ये टोटल बन गया 0.07 mm। तो इस तरह से हम किसी भी दो सरफेसेस के बीच का जो गैप है उसको इन फिलर गेजेस के ब्लेड से माप सकते हैं। उनको फिल करने के बाद पहले एक ब्लेड डालेंगे, फिर दूसरा, या फिर एक ही ब्लेड आता है तो आसानी से हम माप सकते हैं। और इसके अंदर बात ध्यान रखने वाली कौन सी है? इसका मेन जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? इंजन सिलेंडर, मान लीजिए इंजन सिलेंडर है और उसके बीच में जो पिस्टन होता है, इन दोनों के बीच में क्लियरेंस को मापने के लिए कि कितनी क्लियरेंस है इंजन सिलेंडर और पिस्टन के बीच में। इसके लिए हम ज़्यादातर इन फिलर गेजेस का यूज़ करते हैं। और ये बनी होती हैं स्टील की, स्टील की बनी होती हैं ताकि ये ख़राब ना हो, इनके ऊपर कोरोजन ना लगे, लंबे टाइम तक चल सके, तो इसलिए इनको स्टील की बनाया जाता है। जो ये फिलर गेज है इनको फिलर गेज क्यों बोला जाता है? फील मतलब महसूस करना। जब आप किसी फिलर गेज के ब्लेड को गैप में डालते हैं तो वो फोर्सली आपको नहीं डालना, वो इजीली अंदर जाना चाहिए और इजीली वो बाहर आना चाहिए। मीन्स सिर्फ उसको फील चाहिए कि हाँ वो टच कर चुका है इजीली दोनों सरफेसेस को, तो इसलिए इसको फिलर गेज बोला जाता है कि हमें इस पे फोर्स नहीं लगाना, सिर्फ उसकी फीलिंग को महसूस करना है। जो वो फीलिंग, जब वो फील लेगा कि दोनों तरफ से टच हो चुका है, तो वो हम वैल्यू ले लेते हैं, तो इसलिए इसको फिलर गेज बोला जाता है। कोई भी कम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बहुत तरह की फिलर गेजेस होती हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह की थिकनेस के ब्लेड होते हैं और अलग अलग शेप के भी होते हैं। जैसे ये तो हैं सिंपल ब्लेड हैं, कुछ टेपर ब्लेड भी होते हैं जो टेपर टाइप के होते हैं। तो अलग अलग तरह की फिलर गेज हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो ये थी फिलर गेज। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।